आरपीएफचे कॉन्स्टेबल चेतन सिंग यांनी त्यांचे जे सिनियर आहेत एएसआय टिकाराम मीना यांना व त्याच्यानंतर विविध बोगींमधल्या 3 लोकांवरती फायरिंग केली. केल्यानंतर हा चेतन सिंग यानं तिथून पळून जाण्याचा गाडीतून उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मीरा रोडजवळ ही घटना घडली. जो चेतन सिंग ताब्यात आहे त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली जात आहे. जो चेतन है मैं बता दूं आपको कि एस्कॉर्टिंग के लिए जो रेलवे के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी रहते उसमें से एक कर्मचारी था. सर आज जो घटना हुई है विस्तार से बताइए सर क्या हुआ. आज सकाळी जयपूरहून मुंबईला येणारी जयपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जी होती आज सकाळी जयपूरहून मुंबईकडे येणारी जयपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जी आहे तिनं वापी स्टेशन सोडल्यानंतर त्या ट्रेनमध्ये एस्कॉर्टिंगसाठी असलेले एक आरपीएफचे कॉन्स्टेबल चेतन सिंग यांनी त्यांचे जे सिनियर आहेत एएसआय टिकाराम मीना यांना व त्याच्यानंतर विविध बोगींमधल्या 3 लोकांवरती फायरिंग केली. हे 4 जण म्हणजे एएसआय टिकाराम मीना आणि 3 प्रवासी असे 4 लोक मयत झाले. त्याच्यानंतर ती गाडी जेव्हा पुढे आली त्यावेळेला कुठल्या तरी पॅसेंजरनी सुरक्षेसाठी चेन पूल केली. ती चेन पूल केल्यानंतर हा चेतन सिंग यानं तिथून पळून जाण्याचा गाडीतून उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मीरा रोडजवळ ही घटना घडली. त्यावेळेला मीरा रोड येथे जे GRPचे आणि RPFचे पोलीसकर्मी होते त्यांनी त्याला अतिशय धाडसानं पकडलं. त्यानंतर या घटनेबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या संदर्भामध्ये जो चेतन सिंग ताब्यात आहे त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली जात आहे. या घटनेमध्ये जे RPFचे इतर वाचलेले जवान आहेत किंवा रेल्वेमधले जे इतर कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडे तसंच त्या गाडीमध्ये प्रवास करणारे इतर प्रवासी यांच्याकडे आपण चौकशी करत आहोत. आणि त्यामुळे ही जी काही घटना घडली आहे या घटनेबद्दल जो काही गुन्हा दाखल होईल त्याचा अगदी सखोल तपास केला जाईल. आज सुबह जयपूर से मुंबई योगी और मोदी की बात कर रहे हैं उनको वोट देने की बात कर रहे हैं इस वीडियो के बारे में क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने तफ्तीश किया है. इस मामले में जो ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है चेतन सिंह से बहुत इन डेप्थ जो इंटरोगेशन है हम लोग कर रहे हैं. जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सबकी छानबीन की जाएगी. इट इज़ टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन. किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी. आरोपी ने कारण क्या बताया सर? आरोपी ने क्या कारण बताया क्यों फायरिंग की है? आपको बता दें कि ऑफेंस जब रजिस्टर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होता है उस इन्वेस्टिगेशन के कुछ जो चीज़ें हैं उतने प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिस्क्लोज करना गलत है. क्रिमिनल जस्टिस के खिलाफ है. जो भी रूल्स है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसको कोलैबोरेट किया जाएगा और जो चीज़ें उसे जाकर जो चेतन है मैं ये बता दूं आपको कि एस्कॉर्टिंग के लिए जो रेलवे के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी रहते उसमें से एक कर्मचारी था और जब ये गाड़ी सूरत से मुंबई आ रही थी उसमें वो तैनात था और ये वापी के आगे आने के बाद में ये घटना हुई है. इसमें और जो डिटेल्स है क्रिमिनल जस्टिस की जो बाकी जो हम FIR रजिस्टर करने जा रहे हैं हमें कोर्ट के सामने जाना है और इस वजह से हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी भी चीज़ में किसी कंक्लूजन पे आना और किसी चीज़ को मीडिया के सामने बताना ये इमैच्योर होगा ऐसे मैं समझता हूँ. मैं आपसे वापस एक बार बता दूँ कि हम लोग इससे इस FIR जो रजिस्टर हो रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको भी मालूम है कि हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी चीज़ पे किसी कंक्लूजन पे आना ये गलत होगा. किसी चीज़ को अगर पहले ही दफ़ा किसी चीज़ को सही बोल दे और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ अगर और सामने आती है तो इट विल बी टू इमैच्योर टू कम टू और जंप टू एनी कंक्लूजन एट दिस स्टेज.
एंड आई एश्योर यू दैट वी विल इंश्योर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर।